नमस्कार, मैं जयप्रकाश पत्रिका उत्तर प्रदेश के खास कार्यक्रम वन सपाने टाइम में आज हम बात करेंगे रामपुर रियासत में नवाब खानदान के में जो जो उनकी संपत्ति है उसमें बंटवारे को लेकर जो खजाना सामने आया है वो काफी चौंकाने वाला है। इस खजाने में हजारों की तादाद में जो हथियार मिले हैं उनकी गिनती तक नहीं हो सकी है। और यही नहीं, जो नवाब के खानदान के खजाने जिन तहखानों में, जिन लॉकर में, जिन संदूक में कैद है वो भी अभी तोड़े नहीं जा सके हैं। इतिहास से जुड़ी हुई चीजों को ऐसा माना जा रहा है कि शायद सरकार अपने कब्जे में लेकर एक धरोहर के रूप में ले। फिलहाल अभी भी नवाब खानदान में संपत्ति की जंग में हथियारों के साथ साथ सवाय संपत्ति की गिनती जारी है। नवाबों की संपत्ति के बंटवारे की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। कोठी खास बाग पहुंचकर वकील, कमिश्नर, पुलिस, प्रशासनिक अधिकारी के सामने आर्मरी के ताले खोले गए। आर्मरी में नवाबों के हथियारों का जखीरा मिला है। इतना ही नहीं, सोने और चांदी से जड़े हथियार भी मिले हैं। पहले दिन अधिकारी सिर्फ 400 हथियारों की गिनती कर सके। नवाबों की खरबों की प्रॉपर्टी का मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा था। कोर्ट के आदेश पर अंतिम नवाब रजा अली खां की संपत्ति के बंटवारे की प्रक्रिया चल रही है। एडवोकेट कमिश्नर अनुप्रकाश सक्सेना और मुजामिल हुसैन और डीएम आंजने कुमार सिंह समेत पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी संपत्ति का मूल्यांकन कर रहे हैं। आर्मरी में हजारों की तादाद में हथियार मौजूद हैं। इनमें खंजर, भाले, राइफलें, तलवारें, पिस्टल, राइफल, बंदूकें और अन्य हथियार शामिल हैं। ये हथियार हॉलैंड, लंदन, जर्मनी, अमेरिका, स्पेन आदि देशों की कंपनियों से निर्मित हैं। साथ ही सोने, चांदी और रत्न से भी जड़े हुए हैं। रामपुर के नवाब की संपत्ति के बंटवारे के लिए के अनुपालन में माननीय जिला जज महोदय के द्वारा आदेश किया गया था, जिस पर जिलाधिकारी महोदय ने एक कमेटी बनाई है। डिप्टी कलेक्टर श्रीमान सिंह कुंडीर, सीओ लाइंस और दो शस्त्र विक्रेता हैं जो क्षेत्रीय हैं, नगर के हैं, उनकी चार लोगों की कमेटी बनाई है जो नवाब कोठी पे, खासबाग कोठी पे जितने भी शस्त्र हैं जो कि पहले से हमारी अभिरक्षा में हैं उनसे उनका मूल्यांकन करने का निर्देश दिया गया है। कमेटी उनका मूल्यांकन कर रही है और मूल्यांकन करने के बाद में हम लोग उसकी रिपोर्ट जिला जज महोदय को भेजेंगे। तो अभी कुछ पता चल पा रहा है कितने पुराने हथियार हैं, कौन कौन से हैं, क्या हैं? अभी तो एग्जैक्ट संख्या अभी तक नहीं पता चल पाई है। आज कल भी किया था लोगों ने, आज भी कर रहे हैं और शायद कल तक कार्रवाई पूरी हो जाएगी। पुराने हथियार हैं ये? सारे ही पुराने हथियार हैं, नवाबों के समकालीन हैं और उन्हीं के कारखानों के बने हुए हथियार हैं। कुछ उसमें विदेशी हथियार भी हैं। अभी एग्जैक्ट संख्या अभी नहीं पता चल पा रही, कल तक पता चल जाएगा। तो कहाँ जाएंगे ये हथियार, कहाँ रखे? अभी अभिरक्षा में ही रखे रहेंगे, अभी कहीं भेजे नहीं जाएंगे। केवल मूल्यांकन करा करके रिपोर्ट जाएगी डीसी जज महोदय को, फिर क्या होगा, कहाँ जाएंगे? हाँ, अब वो कोर्ट भी जो भी तय करे।